ब्यावरा विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया राजा साहब दिग्विजय सिंह ने और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ब्यावरा में रामचंद्र दांगी को वोट देने के लिए आम जनता को संबोधित किया। सुनिए उन्हीं की जुबानी कि उन्होंने क्या कहा। भाव बढ़ा, किसानों को लाभ हुआ, शुद्ध का युद्ध, हर चीज में मिलावट, ये मध्य प्रदेश की पहचान बने। मध्य प्रदेश की जब ये पहचान बनेगी, मध्य प्रदेश का चेहरा होगा, लोगों को विश्वास होगा। आप भी उसी दुकान में जाते हैं जहां आपको विश्वास होता है। एक विश्वास का वातावरण बनाए तभी तो मध्य प्रदेश में विश्वास होगा, तभी तो उद्योग आएंगे। एक उद्योग रखता है, चार बच्चों को फायदा होता है, चार नौजवानों को कोई गाड़ी चला लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है, कोई होटल खोल लेता है, हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधि बने। ये मेरा प्रयास था। कौन सी गलती मैंने करी? मैंने कहा हम गौशाला बनाएंगे, ये गौशाला गौशाला 15 साल तक रहे। मैंने कहा हम गौशाला बनाएंगे, सबसे ज्यादा गौशाला मध्य प्रदेश में, जो देश भर में नहीं बने हमारे मध्य प्रदेश में बने। कौन सा गुना मैंने किया था? और शिवराज सिंह कहते हैं कमलनाथ पापी है। सौ रुपए में बिजली, 100 यूनिट बिजली आपको दी। कौन सी गलती करी थी मैंने? किसानों का पंप का रेट आधा किया, पेंशन बढ़ाया, सामूहिक विवाह के लिए 51,000 रुपए करें। कौन सा गुना मैंने किया? मैंने कहा कि पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देंगे। कौन सी गलती करी मैंने? ये आज चित्र आप सबके सामने, और यही आपको समझना है। शिवराज सिंह तो आएंगे झूठ, मुझे भी ताज्जुब होता है कितना झूठ बोल सकते हैं। पहले तो महीने झूठ बोलते रहे, किसान का कर्जा ऋण माफ हुआ, खुद ही स्वीकार करना पड़ा विधानसभा में कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। अब कहते हैं सबका क्यों नहीं हुआ? तो शिवराज सिंह तो बाज आते नहीं, शिवराज सिंह आपको गुमराह करेंगे। अब घोषणा करी परसों, हम कोविड की दवाई, कोविड की वैक्सीन मुफ्त में देंगे। अरे शिवराज सिंह जी, आप जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हैं? आज कोविड की वैक्सीन तो है ही नहीं, कोविड की वैक्सीन तो बनी नहीं, और आप इसे मुफ्त में बांट रहे हैं। कैसा धंधा वो कर रहे हैं? पूछिएगा कोविड की वैक्सीन कौन है ना, जमाना इंटरनेट में देखिएगा, कोई कोविड की वैक्सीन नहीं है। शिवराज सिंह घोषणा कर रहे हैं हम मुफ्त में देंगे। कलाकारी देखिए, कितनी कलाकारी, कैसे आपका ध्यान मोड़ना चाहते हैं, कैसे ये गुमराह करना चाहते हैं। 15 साल बाद आप लोगों ने ब्यावरा में गोवर्धन जी को चुनकर भारतीय जनता पार्टी को विदा किया था, किया था ना आप लोगों? आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता था। और सही बात, ये कह रहे किसानों को 6 महीने से पैसे नहीं मिले। पिछले साल कांग्रेस की सरकार थी, मैंने प्रयास किया था कि कांग्रेस को फायदा हो। और ये बाजार, मैं सब व्यापारियों से कहना चाहता हूं, आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या? आपको भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी दी, व्यापारियों याद रखिएगा, आपको GST दिया, और तब कोविड दिया, कोविड का कोई प्रबंध नहीं। तो सबको समझ में आई ये बात, ये तस्वीर आप सबके सामने है, तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा। 3 तारीख के बाद, परसों के बाद, ये तंबू नहीं रहेगा, ये पोस्टर बैनर और ये गुब्बारे नहीं रहेंगे, पर उसके बाद ये नौजवान तो रहेंगे, ये किसान तो रहेंगे, और कमलनाथ तो रहेंगे, और हम मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। 3 तारीख को जो आप बटन दबाएंगे, आप हमारे रामचंद्र जी का केवल बटन नहीं दबाएंगे, कांग्रेस का केवल बटन ही नहीं दबाएंगे, आप तो इन नौजवान और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का बटन दबाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपनी कमर थाम लीजिए ब्यावरा से। आप कहिएगा हम तो संदेश भेज रहे हैं, पूरे प्रदेश को हम संदेश भेजेंगे,
कि हम भोले भाले हैं। राजगढ़ जिला एक भोला भाला जिला है, सीधा साधा जिला है। ये संदेश भेजिएगा, हम भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, परम मूर्ख नहीं है। हमें आप गुमराह नहीं कर सकते, हमें आप मूर्ख नहीं बना सकते। ये संदेश, मुझे पूरा विश्वास है कि आप 3 तारीख को देंगे और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी, हमारे रामचंद्र जी और कमलनाथ मिलके ब्यौरा के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। आपने अच्छे शहर की बात करी, अच्छा शहर बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी, जिनसे मेरा पता नहीं कितने सालों जवानी से संबंध है, दिग्विजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी, हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता, मेरे साथ मंत्रिमंडल, केंद्र मंत्रिमंडल में भी रहे हुए हैं, छिंदवाड़ा के सांसद मेरे बेटे नकुलनाथ जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित जी, पुरुषोत्तम डांगी जी, चंद्र सिंह सौंदिया जी, विजय सिंह जी, डॉक्टर भरत वर्मा जी, सुनील सेठ जी जो हमारे भोपाल के मेयर भी रहे हैं, मनोज शुक्ला जी, मोना सुस्ताना जी और हमारे